कहीं से ये गंदा हो रखा है और ये यहाँ से इसका कलर निकल रखा है। वाओ, बैग की जिप अच्छी नहीं है बिल्कुल। इस टाइप से मैं बैग जींस के ऊपर वेयर करती हूँ। हॉल का सबसे सस्ता बैग हमारा यही है, एकदम रबड़ जैसा। वेलकम बैक, कैसे हो आप सभी लोग। आज की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा ट्रेंडी बैग्स, आई होप आपको जरूर पसंद आएंगे। सो चलिए खोल कर देखते हैं कि हमें क्या रिसीव हुआ है, क्योंकि मुझसे अब वेट नहीं हो रहा है। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी और वीडियोस के लिए। आप देख रहे हो फैशन विद स्टाइल, मैं हूँ आपकी काजल। लेट्स गो स्टार्ट। चलिए ओपन करते हैं आज का हमारा पहला बैग। पहले ही बता देती हूँ कि मुझे अभी किसी का प्राइस याद नहीं है, तो मैं मेंशन कर दूंगी आपको स्क्रीन पर। बस मुझे इतना ही याद है कि मैंने 250 से ज़्यादा किसी का प्राइस पे नहीं किया है, ठीक है। चलिए ओपन करते हैं हमारा आज। तो ये कुछ ऐसा सा बैग है, यहाँ पर आपको ये लॉक मिल जाता है, ऐसे आप घुमाओगे इसको तो ये ओपन हो जाता है कुछ ऐसे से। सो अंदर से आपको ये कुछ ऐसा सा देखने के लिए मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, आप अपने मेकअप प्रोडक्ट आराम से रख सकते हैं। अंदर में ये आपको कॉइन्स वगैरह रखने के लिए अलग से पॉकेट मिल जाती है, और पॉकेट की चेन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, अच्छी क्वालिटी की चेन दी गई है। ऐसे करके आप इसे लगा सकते हो, टांग सकते हो, कैसे भी एडजस्टेबल है, आप इसे बड़ा छोटा कैसे भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा सा ओफो, कुछ ऐसा सा। बैग की बात करूँ तो बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे लग रहा है, लेकिन क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी मुझे रिसीव नहीं हुई। कहीं कहीं से ये गंदा हो रखा है और ये यहाँ से इसका कलर निकल रखा है, यहाँ पर देखो ये स्ट्रैप्स पे भी कलर लगा हुआ है, तो ये उतना ज़्यादा अच्छा मुझे नहीं लगा। तो इसके लिए तो मैं कहूँगी कि मत बाय की। तो जी नेक्स्ट है हमारा ये वाला बैग। अभी मुझे इसमें पता नहीं है कौन सा बैग है, तो मैं पिक्चर अटैच कर दूँगी, आप पिक्चर में देख लेना कैसा सा ये दिख रहा है। अभी मैं ओपन करूँगी तो मुझे पता चल जाएगा। पैकेजिंग बहुत अच्छी है इसकी, मुझे पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। और वाओ, बैग भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है यार, देखो ज़रा एक बार आप इस बैग को। ये कुछ ऐसा सा आपको बैग मिलने वाला है, यहाँ पर ये गोल्डन रोप मिल जाता है और ये गोल्डन चैन एंड रिबन बांधा हुआ है इस पर, ये भी काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है। बैक साइड से आपको ये कुछ ऐसा सा मिलने वाला है, यहाँ पर आपको इसमें दो जिप मिल जाती हैं, तो जिप पड़ते हैं ओपन, और जिप बहुत ही ज़्यादा स्मूद है यार। सो अंदर आपको इसमें दो कंपार्टमेंट मिलते हैं, एक कंपार्टमेंट आपको ये वाला मिलता है एंड सेकंड आपको ये वाला मिलता है। काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, आप इसमें फ़ोन वगैरह, अपना मेकअप का सामान आराम से रख सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा प्यारा यार, इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा बैग है। इसकी जो बैटरी एडजस्टेबल है, आप इसे छोटा बड़ा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। तो जो नेक्स्ट बैग है वो है मेरा ये वाला बैग, मैं इसको ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, और ये मैंने आज से 15-20 दिन पहले मंगाया था, क्योंकि मुझे अर्जेंट चाहिए था। ये यहाँ पर आपको ये वाला गोल्डन वो मिल जाएगा, यहाँ पर आपको ये पर्स लगाया हुआ मिल जाता है, गोल्डन उसका वर्क है। अंदर की बात करूँ तो अंदर में आपको कुछ इतना स्पेस मिलता है इसमें, अगर आपको दिख रहा हो तो कुछ इतना स्पेस है। यहाँ पर आपको कॉइन्स वगैरह रखने के लिए ये वाली जिप मिल जाती है, आई मीन पॉकेट मिल जाती है, और मैंने इसमें ऑलरेडी कॉइन्स बहुत सारे रखे हुए हैं। मुझे तो ये बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छा, आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग ये एकदम वर्थ इट है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। तो जी नेक्स्ट है हमारा ये वाला बैग, इसे ओपन करते हैं कि इसमें हमें क्या रिसीव हुआ है। बैग की बात करूँ तो आप इसका फ्रंट देख लीजिए, कुछ ऐसा सा आपको इसका फ्रंट मिलने वाला है एंड ऐसा सा आपको इसका बैग मिलने वाला है। यहाँ पर आपको साइड में भी ये पॉकेट्स मिल जाती हैं कॉइन्स वगैरह रखने के लिए, बैक साइड में भी आपको इसमें एक पॉकेट मिलती है, और पॉकेट भी काफ़ी अच्छी खासी है, आप इसमें भी कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको एक पॉकेट मिल जाती है, छोटी सी पॉकेट है। ये जिप है ना, ये थोड़ी टाइट खुल रही है यार, देखो ज़रा कितना टाइट खुल रही है। ये वाली कुछ ऐसी सी आपको पॉकेट मिलने वाली है। अंदर बैग में आपको दो पॉकेट मिलते हैं कुछ ऐसे से, ये पहला है एंड दूसरा आपको ये वाला पॉकेट मिलने वाला है। काफ़ी ज़्यादा स्पेस है इसमें, आपको अगर मैं ऐसे करके दिखा पाऊँ तो, एक मिनट, कुछ ऐसे करके दिखा पाऊँ तो आप देख पा रहे होगे, इसे काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। और ये जो इसकी स्ट्रैप है ये भी एडजस्टेबल है, आप अपने अकॉर्डिंग से छोटा एंड बड़ा कर सकते हैं। तो मैं कहूँगी इस प्राइस में ये बैग एकदम वर्थ इट है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा है, और इसका मटेरियल ना लेदर मटेरियल है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड प्यारा लेदर मटेरियल है, तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ये वाला पार्सल, इसे ओपन करते हैं कि इसमें हमें क्या रिसीव हुआ है। इस हॉल का सबसे सस्ता बैग हमारा यही है। यहाँ पर आपको ये पर्ल मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पर्ल्स लगाए गए हैं। और ये वाली स्ट्रैप आपको बड़ी वाली स्ट्रैप मिल जाती है और ये एडजस्टेबल नहीं है। और ये बांध रखी है, देखो कितने गंदे तरीके से, ये चीज़ें नहीं पसंद आती मुझे, देखो दोनों तरफ से ऐसे अजीब तरीके से बांध रखी है। ये जिप काफ़ी ज़्यादा स्मूद है इसकी और इसमें ज़्यादा कचरा नहीं भरा इन्होंने और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है यार। इसमें स्पेस देखो कितना स्पेस है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपका सामान अच्छे से आ जाएगा। अंदर में आपको एक अलग से पॉकेट भी मिलती है कि आप इसमें कॉइन्स वगैरह कोई भी छोटी मोटी चीज़ आप इसमें डाल सकते हो। और जिप है ना अंदर की, काफ़ी ज़्यादा स्मूद है, अच्छे से बंद हो रही है। अंदर का मटेरियल आपको कुछ ऐसा सा अंदर का इसका मटेरियल मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट मटेरियल है, क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इस प्राइस में आपको ये चीज़ मिल रही है तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारा बैग है। चलिए नेक्स्ट दिखा। तो जी नेक्स्ट है हमारा ये वाला बैग, इसे ओपन करके देखते हैं कि हमें इसमें कौन सा वाला बैग रिसीव हुआ है। तो कुछ ऐसा सा आपको ये बैग मिलने वाला है। यहाँ पर आपको ये गोल्डन कलर का बॉक्स मिल जाता है, यहाँ पर ये वाला आपको पोम-पोम लगाया गया है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ये। ऐसी सी आपको इसमें स्ट्रैप्स मिलने वाली है, बैक साइड से इसमें आपको ये वाली जिप मिल जाती है और जिप काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है इसकी। लेंथ की बात करूँ तो जस्ट छोटी है लेकिन ठीक है, बैक साइड की इतनी छोटी होती है। चेन तो उतनी ज़्यादा स्मूथ नहीं है इसकी और अंदर में आपको कुछ इसमें इतना स्पेस मिलता है। ये एक साइड वाला है और ये दूसरी साइड वाला है, दूसरी साइड ओफो मैंने ये नहीं निकाली स्ट्रैप इसकी, दूसरी साइड आपको को यहाँ पर छोटी सी ये जिप भी मिल जाती है और जिप की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, अच्छे से बंद हो रही है, अच्छे से खुल रही है, ऐसा नहीं कि इलज रही है। और ये वाला आपको इसकी बड़ी वाली स्ट्रैप मिल जाती है, अटैच करके दिखाऊँ इसकी स्ट्रैप तो ये देखो ये कुछ ऐसा सा लगने वाला है। बैग की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, काफ़ी प्राइस के अकॉर्डिंग मैं तो कहूँगी एकदम वर्थ इट है। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ये वाला बैग, इसे ओपन करके देखते हैं। सो जी कुछ ऐसा सा हमें ये बैग मिलने वाला है। ये है इसका फ्रंट, आप देख लीजिए कितनी ज़्यादा प्यारा लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बैग ये मुझे रिसीव हुआ है। बैक साइड से ये कुछ ऐसा है, अंदर की बात करूँ तो ये कुछ ऐसे ओपन होता है। यहाँ पर आपको ये बड़ी वाली इसकी स्ट्रैप मिल जाती है, ऑलरेडी अटैच है यार। और ये देखो ये कितना ज़्यादा स्पेस है इस बैग के अंदर, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा आपको इसमें स्पेस मिल जाता है। और ये मेरे सारे ही बैग से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, यस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है, रबड़ जैसा लग रहा है यार ये, पर रबड़ का नहीं है लेदर का ही, लेकिन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लेदर और बहुत ही ज़्यादा प्यारी क्वालिटी है इस बैग की। तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा बैग है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो और आई होप आपने वीडियो ज़रूर एंजॉय की होगी। वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।